नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना महिला कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में 23 दिसंबर को होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने आज मतगणना से संबंधित प्रेस वार्ता की। उनके साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी अजय कुमार तिर्की, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे भी उपस्थित रहीं। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर आज मतगणना केंद्र में प्रेस वार्ता किया गया। मतगणना केंद्र परिसर में मोबाइल का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। मतगणना कक्ष को इस तरह बनाया गया है कि पारदर्शिता बनी रहेगी। उपायुक्त ने सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों से अपील किया है कि अपना मोबाइल सुरक्षित स्थान पर रखने के उपरांत ही परिसर में प्रवेश करें। परिसर में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। मतगणना परिसर में प्रवेश हेतु आवश्यक पहचान पत्र निर्गत किया गया है। उम्मीदवारों के मतगणना प्रतिनिधि महिला कॉलेज के पिछले गेट की तरफ से और उम्मीदवार और उनके चुनाव अभिकर्ता महिला कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना तिथि को जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित मतगणना कक्ष में प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। मतगणना का कार्य सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की गणना से प्रारंभ होगा, तत्पश्चात मशीनों में गिनती की जाएगी। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट को स्कैन करने के हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के टेबल पर होगा। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र में अलग से सहायी निर्वाचन पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। जिले के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में 14 टेबल मतगणना कार्य के लिए रखे गए हैं। इसमें 52 चैमासा विधानसभा क्षेत्र में 21 राउंड, 53 मझगांव विधानसभा क्षेत्र में 20 राउंड, 54 जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 17 राउंड, 55 मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में 19 राउंड और 56 चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में 17 राउंड की मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा, यानी ड्राई रन होगा, जिस वेबसाइट में के माध्यम से कल रिजल्ट ईसीआई को इन्फॉर्म किया जाएगा, जिसकी प्रति आपको भी हर राउंड पे दिया जाएगा। उसी वेबसाइट में एक रिहर्सल के रूप में आज एंट्री करने का कोशिश किया जाएगा सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा। खासकर विशेष परिस्थिति कहीं आता है कि मॉक पोल रिजल्ट नहीं हुआ हो या कहीं वीवीपैट का काउंटिंग कराने की जरूरत हो, तो एडिशनल राउंड भी जो बनाने का जो प्रक्रिया है उस पर भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यानी कोई भी परिस्थिति कल काउंटिंग के दौरान जो उत्पन्न हो सकती है उस सभी का मॉक रिहर्सल आज होगा कि एनकोर सुविधा पोर्टल के माध्यम से ये डेटा टाइम टू टाइम अपलोड करना पड़ेगा। मुख्य बातें दो हैं, आइडेंटिटी कार्ड के बिना कोई भी व्यक्ति इस प्रमिसिस में अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी पत्रकार मित्र अगर हैं तो उनका तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्राधिकार पत्र है, इसी तरह काउंटिंग एजेंट अगर हैं तो उनको कोई ना कोई रंगीन पत्र उनको मिला होगा। यानी जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे, जो एडीसी की आवास की तरफ से उनका एंट्री होगा, तो मैं दोबारा भी आपके माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को, इंडिपेंडेंट सभी कैंडिडेट्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में काउंटिंग एजेंट्स को आप महिला कॉलेज की तरफ नहीं भेजें। एडीसी आवास की तरफ से जो दूसरा एंट्रेंस इसका रहता है, जो पूर्व में भी लोकसभा चुनाव में भी हम लोग जो काउंटिंग एजेंट्स के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसी के माध्यम से उनका, उसी रोड के माध्यम से उनका एंट्री किया जाएगा। अगर रंगीन पास नहीं है, अगर सफेद बेसिक व्हाइट कार्ड पर अगर आपका प्रिंटिंग किया गया है, तो आप होंगे एदर कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट जो पूरे इलेक्शन में उनके प्रॉक्सी के रूप में काम कर सकते हैं, या रिटर्निंग ऑफिसर टेबल एजेंट। यानी एक अंदर रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पे भी एक विशेष एजेंट को एक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो भी अगर प्रतिनिधित्व होते हैं तो उनको भी व्हाइट कलर का हम लोग देंगे। तो व्हाइट कलर का जितने भी पासेस होंगे, मीडिया के मित्र होंगे, सभी महिला कॉलेज के मेन एंट्री से उनका प्रवेश होगा। रंगीन पास तो 5 कलर का, 5 विधानसभा के लिए अलग अलग रंग का दिया गया है, तो उनको एडीसी आवास की तरफ से उनका एंट्रेंस होगा। और एक और विशेष इतना ही महत्वपूर्ण एक निर्देश यह है कि कोई भी काउंटिंग एजेंट हो, कैंडिडेट हो या उनके इलेक्शन एजेंट हो,
कोई भी मोबाइल फोन सहित काउंटिंग हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन को रखने के लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं है, यहां सिर्फ व्यवस्था है मीडिया मित्रों के लिए और कैंडिडेट्स के लिए। तो अभ्यर्थी छोड़कर, क्योंकि अब मान लीजिए 14 टेबल पे अगर एक एक व्यक्ति भी अगर काउंट करेंगे तो कम से कम आपका 1000 की संख्या में काउंटिंग एजेंट्स होंगे। इतने सारे लोगों का मोबाइल फोन एक जगह इकट्ठा करना और शांतिपूर्ण ढंग से उनको देना, मतदान कर्मी को भी काफी कठिनाई सामना करना पड़ता है, इसीलिए उनको पहले ही पूर्व में ही लिखित सूचना भी दी गई। विशेषकर लास्ट में हम लोग यही सुविधा दिए, क्योंकि आप तो मोबाइल फोन को एज ए कैमरा भी यूज करते हैं, तो आपको गाइडेड टूर हम लोगों को कराना है। पिछले बार एक घंटा में किया, लेकिन इस बार तो पांचों क्षेत्र घूमना, तो हर आधा घंटा में हम लोग एक गाइडेड टूर देंगे। मान लीजिए 8 बजे एक टूर होगा डीपीआर ऑफिस के स्टाफ के साथ, आप लोग सीआरपीएफ के पर्सनल के साथ, आप सभी पांचों जगह जा सकते हैं। इसके बाद फिर आधा घंटा के बाद 8:30 को फिर करेंगे, फिर 9 बजे फिर करेंगे, फिर 9:30 करेंगे। अगर कोई जाना नहीं चाहता, एक ही बार जाना चाहता, दो बार जाना चाहते, सब भी, लेकिन जो इंटरेस्टेड होंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं तो उस बारी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एक भी इंटरेस्टेड है तो उनको हर आधा घंटा में हम लोग ले जाएंगे। लेकिन टाइम इंटरवल हम लोग को फिक्स रहेगा, मतलब बीच बीच में हम लोग नहीं करेंगे, ताकि काउंटिंग प्रक्रिया भी इफेक्ट ना हो। और आपके लिए जो मीडिया के लिए जो ब्रीफिंग रूम जो रखा गया है, इस बार बोर्ड पे लिखने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि कुछ पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कहीं कहीं गलत एंट्री होने के कारण हो या गलत सूचना देने के कारण हो, कुछ मतलब इस तरह का मतलब अफवाह भी फैलता है, क्योंकि कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन है, 5-5 विधानसभा है, सब जगह डेटा एक्यूरेसी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एनकोर जो साइट पे हम लोगों का जो डेटा एंट्री किया जाएगा, उस पर जैसे रिटर्निंग ऑफिसर साइन करके एज ए डीओ मुझे एक कॉपी भेजेंगे, मैं भी आप ही के बगल में कंट्रोल कक्ष में रहूंगा, मेरे पास जैसे आएगा आपको मैं जेरॉक्स करके, मुझे मेरे पास जो कागज मिल रहा है उसी को मैं आपको सभी को देने वाला हूं। तो ये व्यवस्था हम लोग करेंगे, ताकि कोई डेटा डिस्क्रिपेंसी नहीं हो, और इसको भी लाइव दिखाने के लिए भी हम लोग प्रोजेक्टर की व्यवस्था वहां किए हैं। अब इसके बावजूद अगर आप मतलब फोटो लेना चाहते हैं, कहीं सूचना भेजना चाहते हैं, तो आपको आसान करने के लिए हम लोग जेरॉक्स कॉपी तुरंत जैसा मुझे मिलेगा विदिन 5 मिनट्स आप सबको मैं दे दूंगा। तो ये बेसिक सुविधा अभी यहाँ उपलब्ध है, और सभी पूरे क्षेत्र में प्रतिबंधित आदेश भी रहेगा। फ्रिस्किंग हम लोग जो प्रिंसिपल चैम्बर के सामने एक मोर्चा हम लोगों को रहेगा, वहां फ्रिस्किंग होने के बाद उनको भी यहीं जमा करके अपना मोबाइल फोन काउंटिंग हॉल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी हैं, तो कभी कभी हो सकता है काउंटिंग के बाद हो, काउंटिंग के बीच में हो, कभी वो फोन इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो काउंटिंग हॉल छोड़ के वो प्रिंसिपल चैम्बर में यहां आकर वो बात कर सकते हैं। परंतु जो मेन हम लोगों का जो कॉर्डन्ड ऑफ एरिया है, उसके अंदर किसी का मोबाइल फोन अलाउ नहीं करेंगे, कि मतलब क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में सरायकेला ऐसा था तो जिसमें बहुत ज्यादा विधानसभा क्षेत्र था, तो सॉरी बहुत सारे मतदान केंद्र था, तो उनका राउंड्स काफी ज्यादा थे, तो 25 तक उनका काउंटिंग राउंड्स गया है। तो राउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकसभा से पहले ही यहाँ रिजल्ट डिक्लेयर हो, क्योंकि अलग अलग इलेक्शन है, अलग अलग स्पीड में चलाते हैं, और एक विधानसभा दूसरे विधानसभा से कोई लेन देन नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है किसी एक दो का पहले डिक्लेयर हो जाए और किसी का लेट हो जाए। अधिकतर सर्वाधिक हम लोगों को चाईबासा में 284 मतदान केंद्र है, न्यूनतम हम लोग को देखेंगे 233 भी एक के पास है, तो इस तरह का कुछ जगह 5 हो सकता कुछ जगह 100 हो सकता। एसपी इंद्रजीत माथा ने बताया कि इसके साथ ही चैमासा के महिला कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जिला पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि पूरा मतगणना परिसर सीसीटीवी निगरानी में कैद रहेगा। इस कार्य को बेहतर बनाने हेतु मतगणना परिसर के अंदर एक नियंत्रक कक्ष स्थापित किया गया है, जहाँ से सीसीटीवी के माध्यम से पूरे परिसर पर निगरानी रखी जाएगी। इस नियंत्रक कक्ष में सतत निगरानी हेतु दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी को भी तैनात किया गया है। आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति 3 स्तर के जांच घेरे से गुजरेंगे। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर से संयुक्त रूप से आदेश निर्गत किए गए हैं। नियंत्रक कक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के टेबल पर तत्काल सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु वायरलेस सेट की व्यवस्था की गई है। मतगणना परिसर में प्रवेश स्थानों पर DF MD की स्थापना की गई है। परिसर में आने वाले महिला कर्मी या अभ्यर्थी या राजनीतिक प्रतिनिधियों के जांच हेतु HF MD के साथ महिला पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया है। सारी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में कल मतगणना का जो है इस कॉलेज परिसर में जो वज्रगिरी है, यहाँ पर पूरी
सुरक्षा व्यवस्था जो है भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार जो है ऑलरेडी जारी है, और उसी के संदर्भ में अगली कड़ी जो है कल जो है विशेष व्यवस्था जो है ज्वाइंट ऑर्डर भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने निकाला है। इसके तहत हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। कंट्रोल रूम में लगातार मजिस्ट्रेट और वहाँ पर स्टैटिक जो वायरलेस सेट भी लगाया गया है। विभिन्न आरओ के टेबल पर भी वायरलेस सेट की व्यवस्था की गई है। कुल जो पुलिस पदाधिकारियों की इसमें प्रतिनियुक्ति की गई है वो 100 पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। लगभग 50 जो है मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो है शहर के बाहरी स्थानों पर भी जो है पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, और विभिन्न अनुमंडल क्षेत्र में भी जो है हम लोगों ने पुलिस बल को और मजिस्ट्रेट को जो है प्रतिनियुक्त किया है। तो कुल मिलाकर जो है कुल जो पुलिस बल की जो प्रतिनियुक्ति है उसकी संख्या लगभग 500 से 600 के बीच में है। और इसके अलावा भी जो है विभिन्न पूरे जिले भर में जो पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति है, चाहे वो सशस्त्र पुलिस बल हो या फिर जो है ऑपरेशनल हो, वो भी अपने सतर्कता मूलक कार्रवाई में संलग्न रहेंगे। जो पुलिस के बीच का और मजिस्ट्रेट के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से वायरलेस सेट पर आधारित है। जो जो अंदर आने की जो व्यवस्था होगी वो DFMD यानी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से होगी। और कल हम लोग जो है कंट्रोल रूम जो है जो यहाँ पर लगातार कार्य करेगा और पूरी पारदर्शिता से संबंधित जो बातें हैं वो DO महोदय ने आप लोगों को अभी बताई है, और हमारी पुलिस बल जो है लगातार जो है उसको अनुपालन करेगी, सुनिश्चित करेगी। और जो जो इनर कॉर्डन का जो काम है वो जो है CAPF के रूप में जो है CRPF जो है लेके रखी है, और जो भी उनका जो वज्रगृह से लेकर मतगणना भवन तक जो ले जाने का कार्य है EVM मशीन को, वो कार्य विशुद्ध रूप से जो है CAPF के रूप में CRPF के ही द्वारा किया जाएगा। तो जो है आउटर कॉर्डन में जो है जैप एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, और फिस्किंग और जो चेकिंग की जो संबंधित प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। पार्किंग से संबंधित जो व्यवस्था है अभी जो है आप लोगों को एक प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा, उसमें प्रेस बंधुओं के लिए जो है अलग से पार्किंग की व्यवस्था है, और साथ ही साथ जो है राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधिगण हैं, जो एजेंटगण हैं, उनके लिए भी अलग से पार्किंग की व्यवस्था है। लायंस क्लब द्वारा आज हरिला गाँव में रुमटा परिवार के सहयोग से ग्रामीणों के बीच 250 कंबल और बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया। बढ़ते ठंड को देखते हुए SR रुमटा ग्रुप द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर लायंस क्लब की ओर से नीरज सिंधवार, रवि भूत और रुमटा ग्रुप की ओर से किशन ठाकुर मौजूद रहे। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई गई। विद्यालय के कोषाध्यक्ष दिलीप गुप्ता, प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार सिंह और प्रभारी प्रधानाचार्य अरविंद कुमार पांडे ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिलीप गुप्ता ने कहा कि श्रीनिवास रामानुजन के जीवन से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। हमें अनुशासन प्रिय होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। प्रधानाचार्य ने रामानुजन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। बताया कि उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुआ था। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के मौके पर बच्चों के लिए गणितज्ञ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सफल प्रतिभागियों को अतिथियों ने सम्मानित किया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।